तुम्हें क्या लगता है ये भेड़िए ने मुझे ही क्यों काटा है? लोगों को ऊंचा सुनाई देता है ना, मुझे नीचा सुनाई दे रहा है। उसकी क्या छुपा रहे तुमसे? कुछ हुआ नहीं है मुझे। हुआ है, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं हुआ कुछ। 25th of November 2022 वरुण धवन और कीर्ति सनन की फिल्म भेड़िया फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म का ट्रेलर को काफी जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिला था। दोस्तों फिल्म की बात करें तो फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। किसी ने फिल्म को एंटरटेनर बताया तो किसी ने फिल्म को बोरिंग। ट्विटर पर एक यूजर्स ने इस फिल्म को बोरिंग कहते हुए वरुण धवन को ओवर एक्टिंग की दुकान बताया तो किसी ने वरुण धवन की एक्टिंग की तारीफ की। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वरुण धवन और कीर्ति सनन की फिल्म भेड़िया की मूवी रिव्यू के बारे में। दोस्तों फिल्म की बात करें तो फिल्म अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी है, जिसमें लीड रोल में वरुण धवन और कीर्ति सनन के अलावा अभिषेक बनर्जी और दीपक डोगरियाल मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। फिल्म भेड़िया को दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म का VFX शानदार लग रहा है, जिसके चलते कमियां छिप जाती है। फिल्म की कहानी की बात करें तो दिल्ली में रहने वाला भास्कर यानी वरुण धवन सड़क बनाने के प्रोजेक्ट के सिलसिले में अरुणाचल प्रदेश आता है। वो वहाँ के जंगलों के बीच से एक रास्ता निकालना चाहता है, लेकिन जल्दी उसे ये एहसास हो जाता है कि जिस काम को वो इतना आसानी से सोच रहा है वो उतना है नहीं। उसके लिए जंगल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के लिए और जानवरों के लिए वह जंगल एक जिंदगी है। भास्कर पैसों के पीछे अपनी रेस में लगा ही होता है कि एक रात जंगल में गुजरते हुए उसे एक भेड़िया काट लेता है। किसी तरह भास्कर की जान बच जाती है, लेकिन इस घटना के बाद उसमें एक भेड़िया की शक्ति आ जाती है। वो एक इच्छाधारी भेड़िया बन जाता है। अपने भाई जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी और दोस्त के साथ वो इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात डॉक्टर अनिका यानी कीर्ति सैनन और पांडा यानी दीपक डोगरियाल से होती है। पांडा से भास्कर को पता चलता है कि जंगल में एक विषाणु रहता है जो उन लोगों का शिकार करता है जो जंगल को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। क्या भास्कर वापस आम इंसान में तब्दील हो पाएगा? क्या जंगल के महत्व को समझ पाएगा? क्या विषाणु के पीछे की कहानी सामने आ पाएगी? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ये फिल्म घूमी है। ये सब का पता लगाने के लिए आप सभी को फिल्म देखनी होगी। वहीं दोस्तों वरुण धवन इस फिल्म में प्रभावी लगे हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी बॉडी पर जो मेहनत की थी वो बड़े पर्दे पर साफ दिखती है। यहाँ इसका श्रेय निर्देशक और लेखक को भी जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि भास्कर यानी वरुण धवन की निभाए अब तक के किरदार में से सबसे अलग है। वरुण इसे यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सिर्फ वरुण ही नहीं बल्कि फिल्म में अहम किरदार निभा रहे अभिषेक बनर्जी और पॉलिन कवाक को भी बड़े पर्दे पर देखना बहुत दिलचस्प लग रहा है। अभिषेक की कॉमिक टाइमिंग गजब की है। डॉक्टर अनिका के रूप में कीर्ति सैनन की सीमित लेकिन अति महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। दीपक डोबरियाल ने अच्छा काम किया है, लेकिन उनके किरदार को थोड़ा और निखारा जा सकता था। बहरहाल ये फिल्म आपको समय समय पर हंसाती है और 3D में डराती है। खास बात यह है कि कॉमेडी और थ्रिल के बीच निर्देशक ने कई अहम मुद्दों को छूने की कोशिश भी की है। फिल्म में एक किरदार कहता है, किसी की हिंदी यदि कमजोर होना तो वो कम इंडियन नहीं हो जाता। फिल्म के संवाद बेहद प्रभावी है। यह बताती है कि कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक भेड़िया छिपा है, लेकिन हम इसे किस तरह से निकालना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है। वरुण धवन और कीर्ति सैनन अभिनीत ये फिल्म अपने दिलचस्प कहानी और शानदार VFX से लगातार आपको बांधे रखेगी। फिल्म को 3D में देखने का अनुभव ले। फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। आपने फिल्म भेड़िया देखी या न देखी? अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं।